हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसलिए मैंने गाजर को धुल के उसको कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मैंने एक कप शुगर ले लिया है, एक बाउल चीनी और घी ले लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स है, सूखा फल। इसको मैं कट कर लूँगी, काजू को, बादाम को। काजू है, बादाम है, किशमिश है, नारियल है। उसके बाद इलायची है, ग्रीन इलायची। उसके बाद पैन को मैं गरम कर लूँगी। उसके बाद मैं घी डालूँगी, 2-3 स्पून घी। घी को गरम होने के बाद मैं इसके में गाजर को डाल दूँगी। मैं घी हमारा गरम हो चुका है, कद्दूकस किया हुआ गाजर को मैं डाल दूंगी इसमें। और फ्लेम को लो ही रखेंगे। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लगता है। देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिए हैं। ये है कोकोनट, बादाम और किशमिश को ऐसे ही रखा है, और काजू को भी कट कर लिया है। इलायची है, और दूध को मैं गर्म कर लूँगी। ये 1 लीटर दूध है। इसको मैं साथ में फ्राई भी करते रहूँगी, बीच बीच में 2 मिनट के बाद मैं इसको चलाते रहूँगी कि नीचे से जले नहीं। देखिए, दूध हमारा बॉईल हो रहा है। हम क्रीमी मिल्क लेंगे, इसको चला देंगे। इसको दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है। दूध को ऐसे मीडियम फ्लेम पे इसको गाढ़ा करेंगे। देखिए, बॉईल आ गया है दूध में। साथ में हमारा हलवा फ्राई भी हो रहा है गाजर। देखिए, गाजर हमारा पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है। कितना कम हो गया है, पहले ज़्यादा था। अभी इसमें मैं दूध को गाढ़ा जो किया था मैंने, उन्हें मिक्स कर लूँगी। दूध को पूरा नहीं, मैं थोड़ा कम ही डालूँगी क्योंकि गाजर बहुत कम है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको दूध को पूरा जलने तक, दूध को पूरा जला लेंगे जो पानी है इसमें। उसके बाद मैं तक फ्राई करेंगे, ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है। ये बहुत ही अच्छा कलर अभी दिख रहा है।